हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसी चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में अपन को क्या करना होता है, पहले वो थोड़ा तुम्हें बता देता हूं। एक लाइन दी रहेगी, उसके दो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, जैसे पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है। अब तुमसे बोलेंगे कि पॉइंट सी जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3 या 3:4, ऐसे बोलेंगे। बताओ सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, दो एंड पॉइंट्स पता रहेंगे, बीच का एक पॉइंट रहेगा, वो उस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। रेशियो तुम्हें गिवन रहेगा, तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ वो बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। उसके लिए अपन यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूला तुम्हें पूरा डिराइव करके बता रहा हूं और फिर अपन उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। सपोज दो पॉइंट्स हैं, ये ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, एक लाइन इनको ज्वाइन कर दी। एक पॉइंट है पी जो बीच में लाई कर रहा है, जो ए बी को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। सपोज वो रेशियो है एम वन इज टू एम टू। हमें पता करना है इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स। मान लिया अपन कि वो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। अब मैंने तुम्हें बताया था कि यदि ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, तो उसका मतलब कि उसका जो ये वाला डिस्टेंस है ये एक्स वन होता है, ये जो उसकी हाइट है ये वाई वन होती है। इसी तरह से पी के कोऑर्डिनेट यदि एक्स वाई है, मतलब ये वाला डिस्टेंस एक्स है, ये वाला डिस्टेंस वाई है। सिमिलरली बी के लिए ये एक्स टू है, ये वाई। हमने ए से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एंगल एम और एंगल एन ये 90-90 डिग्री के। ठीक है, हमें एपी और पीबी का रेशियो पता है एम वन इज टू एम टू है। एपी अपॉन पीबी हम जानते हैं ये है एम वन अपॉन एम टू। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने नाम दे। दो ट्राइंगल लेता हूं मैं, मेरा पर्पस क्या है, निकालना क्या चाह रहा हूं मैं। ये दो एंड पॉइंट्स पता थे, ये रेशियो पता था, ये x और y की वैल्यू निकाल ली। पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपन को पता करने। सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल APM, APM और ट्राइंगल ABN, ट्राइंगल ABN, ये दो ट्राइंगल्स लिए। इन दो ट्राइंगल्स में अपन को देखना है क्या क्या बराबर है। देखो APM और ABN दोनों में एंगल ए तो आ ही रहा है, कॉमन दोनों में है। एंगल ए APM का भी पार्ट है और ABN का भी पार्ट है। फिर ट्राइंगल APM में एंगल M 90 डिग्री का है, ट्राइंगल ABN में एंगल N 90 डिग्री का है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, एक ये कॉमन और एक ये 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं, ये सिमिलैरिटी का साइन है। तुमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है 9th क्लास में, सिमिलैरिटी इसी साल डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। दो ट्राइंगल्स में यदि दो एंगल्स इक्वल हो तो ऐसे ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं। तो हमने देख लिया कि ये छोटे वाले ट्राइंगल और ये बड़े वाले ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल आ रहे थे, देयरफॉर दे आर सिमिलर, ये सिमिलर का साइन। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की तुमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसमें अपन सीपीसीटी लगाते हैं। CPCT मतलब corresponding parts of congruent triangles। उसका मतलब क्या होता है कि यदि दो ट्राइंगल congruent है तो उनकी सारी साइड, उनके सारे एंगल सब कुछ इक्वल होता है। वैसे सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड इक्वल तो नहीं होती पर उनका रेशियो बराबर होता है। फर्स्ट ट्राइंगल की साइड अपॉन सेकेंड ट्राइंगल की साइड, इनका रेशियो बराबर होता है। साइड करस्पॉन्डिंग लेनी है, मैं लेके बताता हूं। जैसे मान लो अपन ने इसकी साइड ली AP, ये फर्स्ट टू अल्फाबेट,
तो उसकी भी साइड बड़े वाले की साइड ए बी लेना है। एपी के अपॉन में बड़े वाले की साइड ये नहीं आ सकती, ए एन नहीं आ सकती, जो ये वाली साइड है उसी की लाइन में जो दूसरी वाली साइड है वो, तो एपी अपॉन ए बी। इसके पहले दो अल्फाबेट तो इसके भी पहले दो अल्फाबेट इज इक्वल टू इसकी साइड ए एम तो बड़े वाले की साइड ए एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए एन इज इक्वल टू छोटे वाले की साइड पी एम अपॉन बड़े वाले की साइड बी एन पी एम अपॉन बी एन। आगे ऐसे भी देख सकते हो, इसके पहले दो अल्फाबेट अपॉन इसके पहले दो, इसका फर्स्ट और लास्ट, इसका फर्स्ट और लास्ट, इसका सेकेंड और थर्ड, इसका भी सेकेंड और थर्ड। ठीक है, रेशो आ गया। ट्राइंगल का नाम ऐसे देना, सही देना जरूरी है। ट्राइंगल का नाम कैसे, एंगल ए दोनों में कॉमन था तो एंगल ए यदि इसका पहला अल्फाबेट है तो एंगल ए उसका भी पहला अल्फाबेट। ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका एंगल पी एंगल बी के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो बी पी के सामने बी का नाम दिया, एम और एन 90-90 थे तो इसके एम के सामने एन का नाम दिया। ऐसे तो ट्राइंगल के यदि नाम सही से देते हो तो फिर ये पहले दो अल्फाबेट लेके अपन रेशो बना सकते हैं। आगे बच्चों समझ में, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स थे तो अपन ने रेशो इक्वल कर लिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं। एपी अपॉन ए बी, हमें यह पता है कि एपी और पीबी का रेशो एम वन इज टू एम टू है, मतलब इतना एम वन है इतना एम टू है, लेकिन हमें यहां नीचे ए बी चाहिए, तो ऊपर वाला एपी तो एम वन है, ए बी कितना होगा, इतना एम वन इतना एम टू, तो ए बी है पूरा एम वन प्लस एम टू, तो ये एम वन जबकि ए बी पूरा एम वन प्लस एम टू ऐसे। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो ये, अब यदि इसका और इसका रेशियो 2:3 है, मतलब यदि ये 2 है ये 3 है तो ये टोटल कितना हुआ 5। तो यदि मैं तुमसे पूछूं एपी और एबी का रेशियो कितना है, तो एपी है 2 जबकि एबी है ये पूरा 2+3 5, तो 2 अपॉन कर। ठीक है, बस वैसे ही करा, ये M1 था ये M2 था, मतलब टोटल M1 प्लस M2 था, तो AP अपॉन ये पूरा AB, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू AM अपॉन AN, देखें कितना है AM, फिगर से ये AM देखना है कितना है। अभी मैंने बताया था कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है X Y, इसका मतलब ये हुआ कि इतना डिस्टेंस X है ये पूरा, उसमें से यदि अपन इतना माइनस कर दें x माइनस x1 तो ये आ जाएगा इतना, ये क्या है अपना am, तो am की वैल्यू क्या हुई x माइनस x1, तो इसकी जगह रखा x माइनस x1 अपॉन an, देखना है कितना है an, ये पूरा है। अब यहां से यहां तक का पूरा कितना है अपना x2, उसमें से इतना x1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर रहा हूं, ये पूरा कितना है x2, उसमें से इतना कितना है x1, तो x2 माइनस x1 करा तो ये an हो जाएगा, ये हो गया x2 माइनस x1। pm देखें कितना है, pm इतना, अब ये पूरा देखो कितना है, ये पूरा, ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब ये पूरी हाइट y है, ये लिखा मैंने y, उसमें से नीचे वाला पोर्शन कितना है y1, तो इस पूरे y में से इतना y1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा y माइनस y1। ऐसे bn, bn कितना है ये पूरा y2 है, उसमें से इतना y1 है, तो इस पूरे y2 में से इतना y1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यहां तक आ गया। अब एक एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को लेना है फिर इन दोनों को लेंगे, पहले इन दोनों को लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो m1 के साथ आया इनटू में x2 माइनस x1 इक्वल टू, ये उधर गया
एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ब्रैकेट खोलेंगे, एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स वन, यहां ब्रैकेट खोला, एम वन एक्स माइनस एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स माइनस एम टू एक्स वन, ये माइनस एम वन एक्स वन और ये माइनस एम वन एक्स वन कट गया। अब ये एम वन एक्स टू ऐसे ही है, जो वहां का एम टू एक्स वन माइनस में है वो यहां आके प्लस हो जाएगा, प्लस एम टू एक्स वन इक्वल टू बचा एम वन एक्स प्लस एम टू एक्स, उसमें से एक्स कॉमन बचा एम वन प्लस एम टू, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये नीचे आ जाएगा, तो एक्स का फॉर्मूला बन गया एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो एक्स की वैल्यू आ गई एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू नीचे आ गया, ये आ गई एक्स की वैल्यू, तो ये एक्स की वैल्यू आई जो अपन ने फर्स्ट टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाली। अब ऐसे अपन फर्स्ट और लास्ट को लेंगे, इसको और ये वाले टर्म को, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये अपन ने एक्स निकाल लिया था इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब मैं फर्स्ट और लास्ट वाले को ले रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वाई टू माइनस वाई वन इधर इक्वल टू ये उधर एम वन प्लस एम टू इंटू वाई माइनस वाई वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एम वन वाई टू माइनस एम वन वाई वन, यहां ब्रैकेट खोलेंगे, एम वन वाई माइनस एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई माइनस एम टू वाई वन, ब्रैकेट ओपन करके इतना आगे देखो, यहां माइनस एम वन वाई वन आ रहा है, उधर भी माइनस एम वन वाई वन कट जाएगा, तो प्लस होगा, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस एम टू वाई वन को इस तरफ ले आते हैं, तो एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन इक्वल टू में बचा एम वन वाई प्लस एम टू वाई, इसको ऐसे ही रहने दिया, यहां से y कॉमन, अंदर बचा m1 प्लस m2, इसको नीचे ले गए तो y की वैल्यू आ गई m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y निकल आया, x पहले ही आ गया था, इसका मतलब अपन को x और y के जो कोऑर्डिनेट्स पता करने थे वो अपन को पता चल गया। तो इसको एक बार समराइज करके क्या निकाला अपन ने वो समझा देता हूं तुम्हें। तो हमने ये पता करा कि यदि एक पॉइंट ए था x1 y1, एक पॉइंट बी था x2 y2, यदि पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1 is to m2, पी के कोऑर्डिनेट्स यदि x और y हैं, तो हमने क्या पता करा कि इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे ही पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट जो हमने अभी अभी पता करा, ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये अपन को पता चल गए x और y के कोऑर्डिनेट्स, x और y की वैल्यूज फॉर द पॉइंट P। आ गया बच्चों समझ में? एक चीज का इसमें अपन को ध्यान रखना है कि यहां पर जो पॉइंट P है वो तुम्हें दिख रहा है A और B के अंदर लाई कर रहा है। जब पॉइंट P A और B के अंदर लाई करे तो अपन इसको बोलते हैं इंटरनल डिविजन, इंटरनल डिवीजन, जहां पॉइंट पी लाई करता है ए और बी लाइन के अंदर।
यदि मान लो पॉइंट पी ए बी के बाहर लाई गई, मतलब जैसे ये ए है, ये बी है और पी पॉइंट बाहर लाई करेगा। जब पी पॉइंट बाहर लाई करता है तो अपन इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन तब भी M1 M2 रहता वही है। अभी हमारा M1 M2 क्या था, AP और PB का रेशियो, तब भी वो रहता वही है। M1 ये पूरा और M2 ये, तब भी हम वही बोलते हैं कि AP अपॉन PB होता है M1 is to M2। लेकिन क्योंकि पॉइंट P AB के अंदर नहीं है, बाहर लाई कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में जो फॉर्मूला होता है x और y का, सेम फॉर्मूला रहता है लेकिन प्लस की जगह माइनस है। मतलब m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। सिमिलरली y हो जाता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये x और y की वैल्यू होती है इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, और यदि प्लस है तो वो होता है अपना इंटरनल डिवीजन। आ गया समझ में? तो बच्चों अभी अपन ने इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों के लिए फॉर्मूले देख लिए। अब इसी से अपन निकाल सकते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट, अभी अपन ने ये पढ़ा कि पॉइंट पी ए बी को डिवाइड कर रहा था इन द रेशियो एम वन इज टू एम टू। अब वो रेशो कुछ भी हो सकता था, 2:3, 3:4 कुछ भी हो सकता था। 2:3 होता यदि तो हम M1 की जगह 2 रख देते, M2 की जगह 3 रख देते, X1 X2 की वैल्यू रख देते, X आ जाता, ऐसे ही Y निकल आता, ठीक है। अब यदि मान लो पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है, तो फिर मिड पॉइंट के केस में रेशो तुम्हें दिया नहीं रहेगा, वो अंडरस्टूड होता है। यदि पॉइंट पी मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये पार्ट बराबर, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, तभी अपन उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। तो यदि पॉइंट पी मिड पॉइंट है तो ये वाला और वाला रेशो बराबर, तो उसको अपन 1:1, 2:2, 3:3 जो लेना है ले। सबसे इजी रहता है 1:1, ठीक है। तो यदि अपन बोलेंगे कि पॉइंट पी मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, मतलब कि एम वन और एम टू की वैल्यू आ गई 1:1। तो इफ पी इज मिड पॉइंट, यदि P मिड पॉइंट है तो M1 is to M2 हो जाएगा 1:1। तुम चाहो तो 2:2 ले लो, 3:3 उससे भी वही आएगा, इजी है, 1:1 ले लेते हैं बस। तो अब M1 और M2 की जगह 1:1 रख देते हैं यहां, तो X हो गया 1 into X2 plus 1 into X1 upon M1 plus M2 1 plus 1। 1 into x2 plus 1 into x1, मतलब x1 plus x2 upon 2, x की वैल्यू आ गई। ऐसे y वाले में रखेंगे तो आ जाएगा y1 plus y2 upon 2। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो सिंपल है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो दोनों को प्लस करना डिवाइडेड बाय 2। जैसे तुमसे बोला है कि एक लाइन है ab, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2 और बी के हैं 2,3। तुमसे बोला जाता है मिड पॉइंट पता करो, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, दोनों एक्स को जोड़ो डिवाइडेड बाय 2, 3 plus 2, 5 upon 2, ये मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई निकालना है, दोनों वाई को प्लस कर दो, 2 plus 3, 5 upon 2। तो मिड पॉइंट का आंसर हो गया 5/2, 5/2। ये अपना आ गया पॉइंट P। ऐसे निकालते हैं अपन मिड पॉइंट। गॉट इट? एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट दिए हैं, हमें निकालना है इसके पॉइंट्स ट्राइसेक्शन के। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वैसे ट्राइसेक्ट का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को जॉइन कर रही है, हमें उसके तीन इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो देखें कैसे होंगे। ये लाइन ए बी,
ए पॉइंट है 4, -1, बी है -2, -3। हमें इस लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स करने, 3 पार्ट करने हैं। तो तुम सोच सकते हो कि इसके अपन को बीच में 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, सी ले लिया और डी ले लिया, तभी हो पाएंगे 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3। 4 पार्ट्स करने होते तो बीच में अपन 3 ले लेते हैं, 3 पॉइंट्स लेते बीच में, सी डी और ई। तो ए सी, सी डी और डी और ई बी, 4 हो जाते। अभी अपन को 3 पार्ट्स करने, तो बीच में 2 पॉइंट दिए जिससे लाइन डिवाइड हो गई 3 पार्ट्स में, ए सी, सी डी और डी। हमें क्या करना है, हमें सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हमें डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, सी और डी के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मैंने सी के कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई, डी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं एक्स डैश वाई डैश। डी हम बाद में निकालेंगे, पहले सी पॉइंट निकालते हैं। अपन ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। इंटरनल डिविजन वाला यूज कर रहा हूं क्योंकि सी जो है वो ए और बी के अंदर लाई कर रहा है। इसमें जो M1 is to M2 होता था वो होता था रेशियो, जिस रेशियो में C AB को डिवाइड करेगा। अभी D को भूल जाओ, D का कोई काम नहीं, अपन को देखना है C AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वही अपना M1 is to M2 हो जाएगा। तुम देखो C के इस तरफ एक पार्ट आ रहा है जबकि C के उस तरफ एक और एक ये दो पार्ट आ रहे हैं, मतलब C के लिए इधर 1 है जबकि उधर 2 पार्ट है, मतलब C डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। तो C डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो 1:2, मतलब अपन को C पॉइंट के लिए रेशियो पता चल गया 1:2 है। तो M1 हो गया 1, M2 हो गया 2, रख देते हैं यहां पे M1 X2, M1 की जगह रखा 1, X2 क्या होता था, जैसे C AB को डिवाइड कर रहा है तो जो दो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं वो होते हैं x1 y1 x2 y। ये हमारा a है x1 y1, b है x2 y2। रखते वैल्यू, ये m1 रख दिया मैंने, x2 -2 प्लस m2 2 x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2। ये हो गया -2 + 8 / 3, 8 - 2 = 6 / 3, 2 x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y निकालते हैं, y का फॉर्मूले में जहां x था उसकी जगह y जाता है, m1 y2 m1 1 y2 -3 प्लस m2 y1 m2 2 y1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2 = 3। ये हो गया -3 -2 / 3 -5 / 3। आगे x और y तो पॉइंट c पता चलिए 2, -5/3, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ऐसे डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, डी के लिए क्या रेशियो ले लेंगे अपन, डी में तुम देखो इस तरफ दो पार्ट आ रहे हैं उस तरफ एक पार्ट आ रहा है, तो डी के इस तरफ दो पार्ट आ रहे हैं मतलब डी के लिए रेशियो हो गया 2:1, इधर दो पार्ट है उधर एक पार्ट है, 2:1। तो अपन इसके लिए x निकाले यदि फॉर्मूले से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 हो गया 2 x2 माइनस 2, m2 हो गया 1 x1 4 अपॉन m1 प्लस m2 2 + 1 = 3। ये कितना हो गया -4 + 4/3 0/3 0, x की वैल्यू आ गई
y निकालो, x की जगह y आ जाएगा, m1 वन बाय टू, एम वन टू वाई टू माइनस थ्री प्लस एम टू वन, यहां y1 आ जाएगा माइनस वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, टू प्लस वन थ्री, ये कितना हो गया माइनस सिक्स माइनस वन अपॉन थ्री, तो माइनस सेवन अपॉन थ्री, तो d पॉइंट आ गया, x है जीरो और y है माइनस सेवन अपॉन थ्री, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, माइनस थ्री कॉमा टेन और सिक्स कॉमा माइनस एट। अब इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं माइनस वन कॉमा सिक्स, हमें पता करना है कि ये पॉइंट पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, पता ये करना है कि इन विच रेशियो पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, मतलब जो रेशियो एम वन इज टू एम टू अभी तक अपन को क्वेश्चन में दिया रहता था और बीच का पॉइंट निकालना होता था, इस बार उन्होंने उल्टा कर दिया, इस बार वो रेशियो निकालने को बोल दिया और ये पॉइंट अपन को दे दिया। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें रेशियो अननोन होता है उसमें अपन इस रेशियो को हमेशा सपोज कर लेते हैं के इज टू वन, जब भी रेशियो निकालना है तो उसको अपन मान लेंगे के इज टू वन, उसे इजी पड़ता है क्योंकि अपन एक सिंगल वेरिएबल में ले लेते हैं उसको, यहां पर m1 m2 रहने दो, यदि फॉर्मूले में तो दो वेरिएबल में इक्वेशन मिलेंगे, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, k is to 1 ले लेते हैं इजी हो जाता है, आंसर सही नहीं आता। तो m1 हो गया हमारा k, m2 हो गया 1, फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू रखते हैं x की जगह पर बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये जो बीच का कोऑर्डिनेट है ये होता है एक्स वाई, पहले भी अपन ने करा है, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, एक्स की जगह रखा माइनस वन, एम वन हमारा के है, एक्स टू सिक्स प्लस एम टू वन, एक्स वन माइनस थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू के प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के माइनस वन इक्वल सिक्स के माइनस थ्री, हमें निकाल लेंगे के की वैल्यू, के वाले टर्म से एक तरफ बाकी सब एक तरफ, ये माइनस वन आ जाएगा, ये हो गया माइनस सेवन के और ये हो गया माइनस टू, माइनस सेवन नीचे ऐसा आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो टू अपॉन सेवन, तो क्या आ गई के की वैल्यू 2 अपॉन 7, मतलब 2 इज टू 7, तो k आ गया 2 अपॉन 7। अब अपन ने रेशियो क्या माना था, k इज टू 1, वही रेशियो हमें निकालना था, रेशियो माना था k इज टू 1, तो तुम k की जगह रखोगे 2 अपॉन 7 इज टू 1, ऐसी रहेगा, अब इज टू 1 ना था अपॉन 1, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो k की वैल्यू वही आ जाएगी 2 अपॉन 7, या उसको हम लिख सकते हैं 2 इज टू 7, आ गया रेशियो, बस यही अपन को पता करना था। तो ये रेशो निकालने के लिए अपन ने x का फॉर्मूला लगाया, तुम x या y कोई सा भी एक लगा लो आंसर वही आएगा, ठीक है, तो क्योंकि मैं x वाला फॉर्मूला लगाकर k की वैल्यू निकाल चुका हूं, तो अब मुझे दोबारा y वाला फॉर्मूला लगाकर फिर से k निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है k की वैल्यू उससे भी वही की वही आती है, आगे समझ में। तो x या y में से कोई भी एक का फॉर्मूला अपन लगाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें रेशियो
अननोन होता है, रेशियो ऑफ एंगल को निकालना होता है। आगे समझ में? तो अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन तुम सॉल्व करो जो इनके इनके ऊपर बेस्ड है, जो टॉपिक्स अपन ने आज पढ़े हैं। कोई डाउट आता है तो मुझे बता। थैंक यू।